आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुक करते हैं शहर शहर खबर खबर कार्यक्रम की। तो देश में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मोदी सरकार 2.0 के 9 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रैलियां कर चुनावी शंखनाद करेंगे। वहीं ये कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में देश भर में करीब 50 रैलियां करेंगे। इसमें 3 रैलियां यूपी में करने की भी योजना है। यूपी में अवध, काशी पश्चिम, कानपुर ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में पीएम की एक एक रैली कराने की योजना है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने रविवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में इसकी जानकारी दी है। भाजपा के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क करते हुए मोदी सरकार में हुए बड़े बदलावों को भी बताएंगे। लोकसभा स्तर पर 5 और विधानसभा स्तर पर 4 अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा एक भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने वाले हैं और तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो इस दौरान ये बताते हुए नजर आएंगे कि इन 9 सालों में देश की तस्वीर जो है वो कितनी बदल चुकी है। तो कितना बदला देश का हाल, ये भाजपा के सभी दिग्गज नेता रैलियों के जरिए बताते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वही 3 रैली यूपी में भी होनी है, जहां अवध, ब्रज और साथ ही साथ कानपुर, ये 3 जगह फिलहाल डिसाइड की गई है कि इन 3 जगह पर रैली होने की पूरी आशंका है, जिसके लिए कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुके हैं। तो पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैली, अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी, किस तरीके से देश का विकास हुआ, जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम उस दौरान जो भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इन 9 साल की बड़ी उपलब्धियां भी जो दिग्गज नेता है वो गिनाते हुए, बताते हुए और जनता तक पहुंचाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। यही वजह है कि लगातार जो भाजपा के मंत्री हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो वही एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसंपर्क करते हुए रैलियां भी करेंगे। 9 साल पूरे होने पर इन रैलियों का आयोजन किया जाएगा। तो ये बेहद ही भव्य और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता इस कार्यक्रम की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। तो 4 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर भी 4 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जबकि लोकसभा स्तर पर 5 तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोगों से संपर्क करते हुए मोदी सरकार में जितने भी बदलाव किए गए हैं उसको बताने का प्रयास तमाम नेताओं द्वारा किया जाएगा। तो वही जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क करते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को भी गिनाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। तो भाजपा के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता 9 साल पूरे होने के भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुके हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगातार सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज नेता कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि लोकसभा स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक तमाम तरह की जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से उपेंद्र और लखनऊ से सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का जो कार्यकाल है वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, तो 9 साल पहले की भारत की छवि और आज की छवि आप कैसे देखती हैं? नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 साल में कभी उतराव चढ़ाव आया, उनके पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग काफी उनके सराहना भी, उनके काम भी किया और कोई उनका विरोध भी किया। आपको खास तौर पर बता दें कि मोदी के जो काम में, अब कई ऐसे काम है जिसकी सराहना किया जा रहा है और जो पहले नहीं हो पाता था उससे भी मोदी ने उसे फतह हासिल की। जैसे बता दें कि 3 तलाक हो गया, वही कश्मीर का जो 370 जो हटाया गया, तो ऐसे तमाम जो उनके काम है उनपे गिनाया जा सकता है। वही आपको
बता दें कि फिर से मोदी 24 के लोकसभा चुनाव के लेकर काफी एक मेगा एक योजनाओं के लेकर आप रैलियों को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। कहा जा रहा है साफ तौर पर ये मोदी का ये एक परिणाम हुआ है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महीना की एक रैली जन संपर्क करेंगे और वो साफ तौर पर ये भी कहना है कि इस बार चुनाव से पत्ता हासिल करे तो वही आपको बता दें 2014 का भी चुनाव जीते, 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए, 2022 में भी उनका ये तो ऐसे तमाम जितनी भी चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो काफी अपना जो अपना पूरा 100% देती है और 365 दिन अपने वो चुनावी मोड में रहती है। तो हम आपको बता दें कि जब से मोदी जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से सुहानी ने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तमाम कई बड़े बड़े बदलाव और तमाम कई बड़े बड़े काम भी कराए गए, लेकिन अब जब 9 साल का कार्यकाल आखिरकार पूरा होने वाला है तो क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है इस दौरान? जी उपेंद्र, डिप्टी सीएम कानपुर के जो ब्रजेश पाठक है, केशव मौर्य है, वो लगातार प्रभु सम्मेलन जो है लगभग कानपुर में 5-7 बार कर चुके हैं प्रभु सम्मेलन। और बात रही अगर प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की बात की है तो कानपुर देखा जाए तो जब पहला कार्यकाल था वो कानपुर में एक ऐतिहासिक रैली थी जो कल्याणपुर में की गई थी, उसको प्रधानमंत्री ने उस मंच पर खुद कहा था कि कानपुर वासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और बात रही 2024 चुनाव को लेकर के लगातार तो कानपुर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा अखाड़ा माना जाता है, लेकिन जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 28 सालों से जो है बिल्कुल पूरा साम्राज्य जो है पूरा बीजेपी का कानपुर माना गया है और आसपास जिले को जो मॉनिटरिंग करता है वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर के कई बार लगातार मीटिंग हो चुकी है। और जो नरेंद्र मोदी की जो 50 रैलियों की मीटिंग थी उस रैली को लेकर लगातार अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय है वहां जो सूची जो नोटिफिकेशन जो है वो जिला प्रशासन कानपुर को आ चुका है। ठीक है बिल्कुल सुहानी, भी आपने जिक्र किया तमाम तरीके के कामों का जो भाजपा के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में किया गया है, तो उन 9 कार्यक्रमों के बारे में बताइए जो अभी तक जनता के बीच काफी लोकप्रिय है जिसको लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता अब जनता के बीच जाएंगे। जी मुझे बता दें कि 9 साल में जो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार ने काफी ऐसी योजनाएं लाई जिससे गरीब परिवार से जोड़ा जा सके, उनके किसानों से जोड़ा जा सके, वही आपको बता दें कि 3 तलाक हो गया, 370 ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे मोदी सरकार ने भारत में लाए और ये योजनाएं सक्सेसफुल हुआ। वही आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर का भी जो कार्य अभी नवासी से ही अभी जुड़ा रहा था लेकिन नहीं हो पाता, वो भी काम अब सफल होने पे है। तो ऐसे तमाम जो मोदी सरकार 9 साल में अपने काम किए और वो जनता के बीच में देखा भी जा रहा है, आपको बता दें कि 9 साल के पूरे होने पर अब बता दें कि जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो 51 रैलियां करने जा रही हैं और पूरे 9 साल के कामों को जनता के बीच में लाएगी और उसे बताएगी कि मोदी सरकार 9 साल में क्या क्या काम किए, क्या क्या उपलब्धियां किए हैं और उसे सीधे जनता से जोड़ा जाएगा। वही बता दें कि त्रिस्तरीय पर ये जो बैठकें होने जा रही है जो कि 16, 17, 18 मई को जो आपको प्रदेश स्तर पर कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी, वही आपको बता दें कि 18, 19, 20 से जो जिला स्तर पर कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी और 20 और 21 मई तक आपको मंडल स्तर पर बैठक बुलाई जाएगी कार्य समिति की और उसमें तमाम ये जो रैलियां होगी उससे जुड़े बातों को जो उसमें सांसद विधायक और महापौर उपस्थित होंगे तो उनसे ये बात साझा किया जाएगा और पूरा एक रणनीति तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार के जो 30 मई से 30 जून तक जो रैली होगी उसमें किस तरह से इसको सही किया जाए, क्योंकि ये जो रैली है पूरे ठीक है बिल्कुल सुहानी, तो तमाम तरीके की रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा उपेंद्र, जैसा कि सुहानी ने अभी हमसे साझा किया जिसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो यूपी के वो कौन कौन से क्षेत्र है जिन्हें चिन्हित किया गया है कि जहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है खुद पहुंचेंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे? रोड मैप की अगर बात की जाए तो कानपुर से प्रयागराज होते हुए हमीरपुर का नोटिफिकेशन है और उसके बाद बांदा से लेकर हमीरपुर नौवस्था का नोटिफिकेशन है और औरैया से अगर मानी जाए तो कानपुर जो नरेंद्र मोदी की रैली रेलवे ग्राउंड पर जो होनी है इसी महीने के लास्ट में जो है स्वच्छता प्रोटोकॉल आ जाए पूरी तरीके से, क्योंकि अगर बात की जाए तो संघ प्रमुख जो कानपुर के अगर माने सलील बिश्नोई जो विधानसभा परिषद सदस्य है और उनको वो पूरी मॉनिटरिंग रैली की पूरी कर रहे हैं। और बात अगर की जाए तो ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो 18 से 20 जिले जो है इस रैली में सम्मिलित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर अगर कानपुर की बात की जाए या देश की बात की जाए तो लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और अभी निकाय चुनाव जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मोदी फैक्टर पे पूरा चुनाव जीता गया है। बिल्कुल सुहानी, अभी जिस तरीके से हमने नतीजों को देखा जो कर्नाटक चुनाव के सामने आए वहां भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो क्या उन सभी नतीजों से भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं सीख लेने का प्रयास कर रहे हैं, यही वजह है कि एक विशाल जनसंपर्क को पूरे भारत में करने की योजना है?
जी मुस्कान आपको बता दें, कहीं ना कहीं कर्नाटक एक विशेष एक अत्युत महत्व माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक ही ऐसा एक द्वार है जो कि दक्षिण में प्रवेश कर सकते हैं और वहां पे बीजेपी सरकार की इस बार थोड़ा सा करारी हार भी मिला है। वही आपको बता दें कि इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार जो अपनी कमर कस चुकी है और इसी को लेकर वो तमाम रैलियां निकाल रही, तमाम अब जनसंपर्क से सीधे अपना संवाद करेगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि जो निकाल चुनाव हुआ उससे भी जो बीजेपी सरकार पूरे किया, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है कर्नाटक का हार मिला है। वही आपको बता, तमाम जो विपक्ष नेता है उसे अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो जनता के बीच बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में नफरत फैला रही है, वही कर्नाटक में नफरत था, लेकिन वहां के लोग जो करारा जवाब बीजेपी को दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के से कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन वही आपको बता, इसमें तमाम जो नेता है बड़े, चाहे वरिष्ठ नेता हो चाहे छोटे नेता हो, इनके कार्यकर्ता हो, सभी नेता एक साथ 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार अभी से कमर कस चुकी है। जी मुस्कान, बिल्कुल। उपेंद्र, राम मंदिर का मुद्दा हमने देखा है कि अभी तक कहीं ना कहीं राजनीति की धुरी बना रहा है, तो क्या 2024 के चुनावी एजेंडे में भाजपा इसको किस तरीके से हाईलाइट करेगी? अगर बात की जाए तो राम मंदिर की बात अगर की जाए तो इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के वासियों को जो बहुत बड़ी जो है गिफ्ट किया था पहले से योगी सरकार ने, और बात रही अब उसके बाद की बात अगर की जाए तो कानपुर जो है बिल्कुल बीजेपी गढ़ माना पहले से जाता था। आसपास जो क्षेत्र है उनको लेकर के निकाय चुनाव, निकाय पालिका परिषद के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। पर अगर बात की जाए जो रैली की, उसका संगनाथ फूक दिया गया, पूरी तरीके से हो चुका है। और बात रैली की रही है तो दोबारा 24 के चुनाव में कानपुर वासियों को साफ कहना है, आप लोगों की ओपिनियन है कि मैं दोबारा फिर मोदी जी को केंद्र सरकार में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुहानी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो अभी भी कायम है, लेकिन कर्नाटक में जो नतीजा है वो इसके बिल्कुल विपरीत आए, और आप लगातार लोगों के बीच एक्टिव रही हैं, लगातार आप नगर संग्राम के कार्यक्रम में भी जुड़ी थी हमारे सभी जो जनता है उनके साथ, तो क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर अभी भी मोदी का मैजिक कायम है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में हार मिली है उससे काफी जनता जो है उससे प्रभावित भी हो रही है। तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनकी मैजिक काम आता है, उनके बहुत लोकप्रिय नेता हैं और काफी उनको जो कामों को सराहा जाता है, लेकिन जो कर्नाटक की हार मिली है उससे कहीं ना कहीं जनता इससे सीख रही है, क्योंकि उससे विपक्ष भी लगातार उससे अपना जो बात है उससे सीधे उनका निशाना साध रही है। तो मैजिक जो है वो कहने की बात ही है, लेकिन यही देखा जाता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो खुद आके कर्नाटक में रैलियां किए, तो कहीं ना कहीं उनके इन बातों से चाहे जो भी हो उसमें कमियां पाई गई है, क्योंकि जनता अब जो कर्नाटक की है वो कहीं ना कहीं उनकी जो राहुल गांधी जो वहीं से अपना जो पदयात्रा शुरू किए थे तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता था, तो इसी के लेकर अब मोदी भी कहीं जो रैलियां निकाल रहे हैं जनसंपर्क, जो जनता से जनसंपर्क करेंगे, तो इसके लेकर कहीं ना कहीं प्रभाव 2024 के लोकसभा पर पड़ सकता है। तो सीधा पर आपको बात करें कि जो कर्नाटक में जो हार मिली है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है, और इससे जो दक्षिण भारत में उनको जो कायम नहीं है, उनसे जो नहीं मिल पा रही है सीटें, तो इससे ये हो सकता है कि आखिर जो कर्नाटक की जनता है वो अपनी सरकार बदलना चाहती है, वो बीजेपी को जो कहने की नफरत फैलाती है उस नफरत से दूर होना चाहती है, तो कई ऐसी सरकार। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, धन्यवाद उपेंद्र दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेता अब जुट भी चुके हैं। लोकसभा स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक तमाम रैलियां की जाएंगी, तो वही यूपी में भी तकरीबन 3 रैलियां जो है वो निर्धारित की गई हैं। ब्रज कानपुर के साथ अवध क्षेत्र में एक रैली हो सकती है जिसके लिए एक मीटिंग होगी, और इस मीटिंग या यूं कहे बैठक में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से ये तैयारियां होनी है, और जो जिला स्तर है वहां पर किस तरीके से नीतियों को पहुंचाया जाए इसके लिए भी इस बैठक में तमाम विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकाय में मिली जीत भाजपा के मिशन 2024 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बता दें कि 17 नगर निगमों में पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय रथ पर सवार हुई है। वही बताते चले कि भाजपा की नई प्रदेश टीम का भी गठन हो चुका है। इस चुनाव में मिली बड़ी जीत ने भाजपा को नई ऊर्जा देने के साथ अपने विरोधियों पर दबाव भी बनाने का काम किया है।
तो यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हम सभी ने देखी थी कि 17 के 17 नगर निगमों की ही सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और इन सभी सीटों पर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो वही मिशन 2024 की अब तैयारियां भी लगातार शुरू हो चुकी है। वहीं जो है एक तरफ 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है तो ये भी कहा जाए कि 2024 की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियों के जो दिग्गज नेता है वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जबकि निकाय चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही मंत्रियों को एक बूस्टर डोज देने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री ये भाव चुके हैं कि जो यूपी की जनता है वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके पक्ष में है, जिसको देखते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, फिर चाहे वो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, या यूं कहे कि ब्रजेश पाठक ही क्यों ना हो, सभी इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और 2024 की रणनीतियों पर भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। की तैयारी में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। जो है एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन होने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं यूपी में भी अब 2024 की तैयारियां की जा रही है। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी। जैसे ही निकाय चुनाव के नतीजे आए थे तो भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल था, जिसके बाद जो तमाम भाजपा के नेता है वो ये भाव चुके हैं कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनके खेमे में है और उनकी जो रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं जनता पर प्रभाव डालती हुई नजर आई हैं। तो अब एक बार फिर से जब 2024 का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारियों में भाजपा के जो नेता है वो जुट चुके हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, तो ऐसे में यूपी सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि जो भाजपा है वो भी लगातार 2024 के लिए यूपी की जनता को साधने में जुट चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे या अब गलवान घाटी में भारतीय सेना है, भारत कभी नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो डंके की चोट पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है, यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है। मेरे बहनों भाई, महाराणा प्रताप सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने हुंकार भरते हुए कहा कि भारतीय सेना इस वक्त पूरे जज्बे के साथ काम कर रही है, चाहे हल्दी घाटी हो या फिर सेना ही क्यों ना हो, जो तमाम हमारे सैनिक है वो लगातार देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज भी सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। वहीं मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया, जिसके बाद सीएम योगी नवदेव विग्रहों के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया है, जो गोरखनाथ मंदिर में जाकर सम्पन्न होगी। इसके बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में श्रीमद भागवत महापुराण और यज्ञ का शुभारंभ होगा।
तो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान दूसरे दिन भी वो जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आईपीएल 2023 के एक मुकाबले में धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। जहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में केकेआर ने चेन्नई को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के बाद सीएसके का प्लेऑफ में जाने का इंतजार अब बढ़ गया है। दरअसल केकेआर के खिलाफ मैच के बाद धोनी की टीम ने बाकी खिलाड़ियों के साथ मैदान का चक्कर लगाया। इस दौरान उन्होंने रैकेट से टेनिस बॉल दर्शकों को तरफ उछाली भी है। इतना ही नहीं, धोनी ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को उनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। भाई सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब काफी वायरल भी हुआ है। तो भले ही सीएसके ये मैच हार चुकी हो, लेकिन इस दौरान सीएसके की पूरी टीम ने स्टेडियम में खचाखच भरे फैंस का दल बखूबी जीत लिया है। और इस दौरान जो महेंद्र सिंह धोनी है वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए भी नजर आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो वही सुनील गावस्कर माही की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी उनके शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हैं। वही टेनिस रैकेट से वो टेनिस के बॉल भी जो अपने प्रशंसक है उनकी तरफ फेंकते हुए दिखाई देते हैं। तो वही तोहफे भी बांटते हुए दिखाई दिए थे। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।